मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज 25 दिसंबर है यानी क्रिसमस डे, और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो इसी को लेकर हमारे इंडिया में चाहे वो सिख का त्यौहार हो, हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, या फिर किसी का भी त्यौहार हो, हम वो त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। का ये क्रिसमस डे पूरा संसार जानता है कि आज उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। उस उद्धारकर्ता का नाम है मसीह यीशु। वो मसीह यीशु गुनहगारों को उनके गुनाह से मुक्त करने के लिए आया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब अनंत जीवन के वारिस ठहराए गए पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक। आज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया के तत्वावधान में इस इबादत का आगाज हुआ। प्रभु के फर्जंद कलीसिया के लोग इसमें सभी सम्मिलित रहे और सब ने मसीह के गुणनवाद के लिए अपने अपने जीवनों को अर्पित किया, और वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सो मैं सभी का दिल से खैर मकदम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका प्रभु में इस्तकबाल करता हूँ कि आपने मौका दिया कि हम फिर से इस अपने जीवन को और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम आप सबके बारे में बता सकें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज के दिन हम सबके लिए केवल ईसाई मसीह परिवारों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी हुआ कि उसने अपना संसार में अपना दिन जो कुछ गुजारे उसने मनुष्य जाति की भलाई के लिए और उस मनुष्य को अंधकार से ज्योति में निकालने के लिए जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा जय मसीह की। ये जो हम लोग 25 दिसंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम जीजस के जन्म दिवस के उपलक्ष में कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जीजस ने इस दुनिया में जन्म लिया, और जन्म लेकर के वो इस दुनिया में परमेश्वर की योजना के अनुसार आए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने मरियम को चुना था जो सब संसार में सबसे ज़्यादा पवित्र वुमेन थी, और उसके द्वारा उसको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जीजस को उनके गर्भ में डाला, और जीजस ने इस दुनिया में जन्म लिया। वो इसलिए लिया ताकि उसके जो मानने वाले हैं, उसके फर्जंद हैं, वो अपने पापों से मुक्ति और आज़ादी को पा सकें। सबसे पहले तो मैं मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया की ओर से चर्च सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी जो भी हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं उन सबको बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो 2018 वर्ष पहले हुआ और आज के दिन पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, और जनपद बुलंदशहर में स्थित मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने भी इससे बड़ी धूमधाम से मनाया। सो हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर से कि यीशु मसीह का ये जो जन्म है वो सचमुच में लोगों के हृदय में जन्म लेने पाए। रसूलों के अकीदे का इकरार करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। मैं एतिकाद रखता हूं खुदा का जीवित करता पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे
हमारे पदावन यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस लातों की हुकूमत दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आत्मिक मुद्रक के दाहिने हाथ बैठा है। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। तू अपने उन्नतम और उन्नत बरकत और नियामतों से सिर और आसूदा करे। आमीन। देखो वो पूरब दिशा से आए।
खुदावर के शुक्रगुजार हैं बिटिया के इस अच्छे गीत के लिए। और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर दोहराऊंगा कि खुदा सभी को तोड़े देता है। कुछ लोग हैं जो तोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हैं तोड़ों को लपेट के रख देते हैं, लेकिन खुदा जो तोड़ा देता है वो अपने राज्य के विस्तार के लिए बख्शता है। तो बेटी, खुदा ने आपको जो तोड़ा नवाजा है, इस तोड़े को आप लगातार इस्तेमाल करती रहें। खुदा की आभार मोहर मिलिया ये एक बार और हम लोग खुदावन के हुजूरी में अपने सरों को खम करें और आज के कलाम की तिलावत के वास्ते और इस नजराने के वास्ते खुदावन से दुआ मांगें। हमारे कुद्दूस कमाल रहीम बाप, आप बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावन आज के कलाम की उम्दा तिलावत के वास्ते, जो कि तेरे आदरणीय दास की मार्फत तेरी कलीसिया को बख्शी गई। आज के कलाम से यकीनन हमारी रूह सेर और आसूदा हो सकी और आज के कलाम से हम इस बात को सीख पाए कि यदि तकियानुसी ख्यालातों के साथ हम मसीह में चल रहे हैं तो व्यर्थ है हमारा मसीह में चलना। यदि तहस्सुब के चश्मे को लगाकर हम इबादत में हैं तो व्यर्थ है हमारा इबादत में होना। तो प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेरी कलीसिया के लिए कि यकीनन तेरी कलीसिया निरंतर तुझ में बढ़ रही है, फल फूल रही है। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावन, और तू इनमें तेजस्वी अंश को देखना चाहता है। तो प्रभु, निरंतर ये तेरे बेटे और बेटियां तेजस्वी अंश में क्रियान्वित होते चले जाएं और तेरी आमद के समय ये तेरी कलीसिया तेरे नजरों में स्वीकार कर। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की पहचान में महफूज रखे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में अब से लेकर खुदावन की आमद तक
होती रहे, आमीन। रुखसत का वक्त है आ दिल में दुआ, जाने का वक्त है आ बरकत दे जा, रुखसत का वक्त है आ दिल में दुआ।